हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोग को ये बताने जा रही हूँ, क्या एक पिकअप में दर्द होता है जब एक पिकअप किया जाता है, क्या आपको पेन होता है, कैसे किया जाता है। आज ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जिस दिन एक पिकअप था तो मुझे पता नहीं था। हाँ, मुझे इतना पता था कि आई थिंक एनेस्थेसिया दे के ही किया जाएगा। मैं शायद, हाँ, एक वीडियो देख के, एक दो वीडियो देख के गई थी यूट्यूब पे कैसे एक पिकअप किया जाता है। तो मुझे इतना नर्वसनेस नहीं था उस दिन, क्योंकि अगर किसी का पहले कोई लैपोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी नहीं होता है, एनेस्थेसिया दे के किसी भी तरह का सर्जरी कुछ भी हो नहीं होता है, देन उन लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। जैसे मेरा तो पहले एक बार डीएनसी किया गया था, जो मेरा मिसकैरेज, मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, उसके लिए डीएनसी किया गया था। और उसके बाद मेरा गॉल ब्लैडर का एक बार ऑपरेशन हुआ था, लैपोस्कोपी हुआ था, दो बार हो गया। और एक बार जो है मेरा हिस्ट्रोस्कोपी हुआ था, सब सेप्टाट यूटर्स की वजह से, तीन बार हो गया। और एक बार हुआ था मेरा जो सर्विक्स में इन्फेक्शन हो गया था, जब मेरा डीएनसी किया गया था उसके दौरान, जब इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद आई थिंक मुझे जो है मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन इतना दिन मेरा नहीं चला था, या किसी के किसी भी वजह से हो, जब जब ख़राब टाइम चलता है ना, अब चलते चलते गिर जाते हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ हो जाता है, जब अच्छा टाइम चला, गाड़ी एक्सीडेंट में भी आदमी जो है बच के आ जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है, मेरा ही लॉग जो था ख़राब था, उसके वजह से, मेरा डीएनसी की वजह से, मेरा बाद ही मेरा जो था सर्विक्स में इन्फेक्शन हो गया था। जब मेरा सेकेंड आईयूआई होने वाला था, उस टाइम हो रहा था, उस टाइम मुझे पता चला कि मेरा सर्विक्स में इन्फेक्शन हो गया है। अगर मैं उस टाइम नहीं देखती, हो सकता है वो आगे बढ़ के बहुत तकलीफ, प्रॉब्लम होता, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता। तो मेरा जो आईयूआई होने वाला था, तब मुझे बोले कि आपका जो सर्विक्स में इन्फेक्शन हो गया है, उसको ईसीसी किया जाएगा, एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज ऐसा कुछ होता है, तो ये किया जाएगा नेक्स्ट। वो भी मेरा जो हिस्ट्रोस्कोपी जैसा हुआ था, मतलब एनेस्थेसिया दे के हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से उसको भी क्लीन किया गया था। तो मेरा जो है चार टाइम ऑलरेडी हो चुका था, और ये जो एक पिकअप के टाइम जो एनेस्थेसिया दिया गया वो फिफ्थ टाइम था, इसलिए मुझे इतना नर्वसनेस नहीं था। मैं तो, मुझे पता था, पूरा एक्सपीरियंस तो है ही मेरा कैसे होता है। और ये जो था, जैसे डीएनसी होता है उसी के जैसा ही था, 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा ओटी में काम रहता है, उसके बाद तो वो लोग ले आए, फिर मेरा होश आ गया, मतलब सेंस आ गया, फिर थोड़ा सा वॉमिटिंग फील हुआ। हाँ, जब आपका जिस दिन होता है, मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ, उस दिन आपको बेड पे लेके, मतलब सालाइन लगाता है, लगाया जाता है। मेरा तो प्रॉब्लम है कि मेरा जो है ना, नस दिखाई नहीं देता है। जब भी मैं कोई ब्लड देती हूँ, ब्लड लेने के लिए नस से मेरा मतलब नस ही दिखाई नहीं देता है। जब मैं ब्लड देती हूँ कुछ कुछ टेस्ट करने के लिए, या फिर मेरा जब सालाइन लगता है, बहुत तकलीफ़ होता है, एक दो जगह दिखने का बाद ही मिलता है। इसमें मेरा एटलीस्ट आधा घंटा लग जाता है नस निकालने के लिए, कहाँ पे है दिखाई नहीं देता है। तो फिर मुझे सालाइन लगा, उसके बाद 2-3 इंजेक्शन दिए। उस टाइम जब एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं ना, तो पूरा वॉमिटिंग हो जाता है, मुझे तो पूरा वॉमिट हो जाता है। फिर बाकी कुछ इंजेक्शन दिए थे, 4-5 जो सालाइन में लगा दिए, उसके बाद फिर ओटी लेके गए, वहाँ पे जाके एनेस्थेसिया दे दिए, मैं पूरा सो गई। उसके बाद जब मेरा सेंस आया, तो मैं आके जनरल बेड में थी, वहाँ पे फिर मुझे 1 घंटा लगा रिकवर होने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब थोड़ा सर घूमता था, सब कोई डबल डबल दिखता था, क्योंकि उस टाइम पूरा सेंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, और वोमिटिंग फील होता है, मतलब शरीर इतना अच्छा नहीं लगता है, हेल्दी फील नहीं करते हैं उस टाइम। अगर आप 3-4 घंटा सो जाओगे ना, तो तब आपको रिलैक्स फील होगा। तब मैं वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा का बाद ही मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा आधा घंटा होगा बेड रेस्ट करने के बाद, पूरा मैं ठीक हो गई। आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे लगा कि हाँ उसके बाद हो सकता है थोड़ा ब्लीडिंग हो, बट मेरा ब्लीडिंग भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा जितना बार हुआ है उसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता था। मुझे ये पैड यूज़ करना पड़ता था, बट ये इस टाइम कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा लाइट स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, कुछ नहीं हुआ। तो फिर
मेरा जो है उसका बाद एक दिन के बाद ही मैं ठीक हो गई। खाना पीना घर में खाना पीना बनाने लगी, पूरा नॉर्मल जैसे थी वैसे ही हो गई। उसका बाद 9 दिन के बाद ही मेरा पीरियड्स आ गया था। तो ये था मेरा जो है पूरा आपका एक पिकअप का दिन क्या क्या होता है आपका साथ जो मेरा साथ हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।